हाँ जी सभी साथियों को नमस्कार पशु ज्ञान वैट्स अब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा और सबसे अच्छी बात की जो पेपर लीक वाली न्यूज़ चल रही थी वो फेंक निकली सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी और ये हमारा एक क्विक सोल्यूशन रहेगा आप इससे मिलान करके एकट आंसर बताए जाएंगे अपना जो भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकें बाकी जो सत्तर प्लस क्वेश्चन जिसके ठीक है वो अपने आप को एक बार सेफ समझे और जो आंकड़ा आएगा हमारे पास उसके बाद एक कट ऑफ पे वीडियो बनाएंगे उसके बाद आपको आइडिया भी लग जाएगा पहला क्वेश्चन देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी थी और इस लाइन से बतानी थी सबसे पहले इसको लेमटा के बराबर रखा जाता है और फिर जो भी पॉइंट्स इसके निकलेंगे उसकी डिस्टेंस इससे निकाली जाती है वन टू वन से निकालेंगे तो जो मैथ का पोर्शन था वो अच्छा दिया हुआ था प्लस टू लेवल तक का और जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रिलेटेड थे कुछ, कुछ जो क्वेश्चन है उनको छोड़कर बाकी सब सिलेबस से ही था तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी टू रूट फाइव डिवाइड बाई थ्री नेक्स्ट आता लाइन ड्रा बतानी थी सेम टेम्परेचर पर सेम टेम्परेचर पर ऑप्शन नंबर डी आइसोथर्म्स नेक्स्ट आता है फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ करैक्टर्स इन द स्ट्रिंग इसका ऑप्शन नंबर एक लाइन रहेगा नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ काफ इसको बोला जाता है विनिंग बोला जाता है सेपरेशन ऑफ काफ को कास्ट्रेटेड मेल ऑफ फॉक्स को बोला जाता है बुलक ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आता है कर्नल इंटरकोर्स होगा विद एनिमल्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर इसको क्या बोला जाता है बेस्टिलिटी बोला जाता है जिसको फास्विकता भी बोला जाता है नेक्स्ट आता है ब्यूरो के अकॉर्डिंग बी आई एस के मैक्सिमम साल्ट रिक्वायरमेंट कितनी होगी पोल्ट्री के अंदर जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट छः रिक्वायरमेंट होती है जीरो पॉइंट छः परसेंट ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजिकल रिएक्शन टू एनी पोटेंशियल डैमेजिंग फिजिकल और एनवायरमेंटल फोर्स विच टूमलेट्स फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस नेक्स्ट आता आपका एन ए डी ई पी मैथड इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर एक कंपोस्टिंग एफ ए जिसका मुख्यालय रोम के अंदर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट आता है आपका द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंस्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सी पी सी एस ई ए नेक्स्ट आता है आर्ट्री कैरिज ये क्या करती है ब्लड को लेकर जाती है कहाँ से हार्ट से दूर और वेन हार्ट की तरफ लेकर आती है नेक्स्ट आता है सरोज एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर अपलीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर वे क्या रहेगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है नेक्स्ट आता है फोर्टीन द इकोनॉमिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ड्रॉप इन प्राइसिस इसको क्या बोला जाएगा जब प्राइस बढ़ते हैं तो उसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है और जब घटते हैं उसको डिफ्लेशन बोला जाता है ऑप्शन नंबर एक नेक्स्ट आता है फिफ्टीन नंबर इज एन ओल्डर इंटरनेट यूटिलिटी दैट लेट्स यू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा टेल टैलनेट रहेगा इसके बाद आता आपका ए रोकेट ऑफ मास हंड्रेड के जी ब्रन जीरो पॉइंट वन के जी ऑफ फ्यूल पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज वन किलोमीटर पर सेकेंड देन इट लिफ्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑप्शन नंबर सी वन मीटर सेकेंड पावर माइनस टू इनवर्स टू नेक्स्ट आता द मेन प्रिंसिपल इन नेचुरल सिलेक्शन ऑप्शन नंबर एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेक्स्ट आता पीरियड ऑफ सेक्सुअल डिजायर ऑप्शन नंबर एक स्ट्रेस रहेगा इसका नेक्स्ट आता आपका ए डिजीज विच विच प्रसिस्ट इन ए गिवन पॉपुलेशन गिवन पॉपुलेशन के अंदर क्या रहेगा एंडेमिक रहेगा नेक्स्ट आता सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है अविका नगर के अंदर है अमृत महल जो कि बेस्ट रोड पर ब्रीड है ये कहाँ की है कर्नाटका की ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़ पेपर इज पब्लिश यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था ये लिखा गया था गांधी जी के द्वारा तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी उद्बोधन उद्बोधन नेक्स्ट आता है बुक पंच सिद्धांतिका इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स कैन रेंसिडिटी ए सडन इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ फोस्ट इसका आएगा आपका एपिडेमिक हैबिट ऑफ ईटिंग ऑफ इट्स ओन फिजी बाई द एनिमल इसको क्या बोला जाता है कोप्रोफेजियर है ब्लड टूआर हार्ट हार्ट की तरफ लेकर आती है वेन और आर्टरी क्या करती है हार्ट से दूर लेकर जाती है जेस्टेशन पीरियड बता बताना था फैलो का दस महीने दस दिन तो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आता आपका ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन था इसका आंसर रहेगा आपका साउथ ईस्ट क्या रहेगा साउथ ईस्ट नेक्स्ट आएगा आपका लेफ्ट टू राइट व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड बाई ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पंथारपुरी कहाँ की है महाराष्ट्र की ऑप्शन नंबर बी पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से परच्यसन तक के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एलिमिनेशन ऑफ अंडबल एनिमल्स को निकालेंगे तो उसको कलिंग बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आता है ए वाइड स्प्रेड एपिडेमिक अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन उसको पैंडमिक बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा वैली कैटल ब्रीड ओरिजिनली डू नॉट हैव ब्रीडिंग डू नॉट हैव है तो है क्या आएगा ऑप्शन नंबर एक गोवा फेरिंग्स की कितनी ओपनिंग होती है सेवन ओपनिंग्स होती है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आता है आपका लेट्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विद मल्टीपल कॉलम ऑप्शनली विद ए लाइन डिवाइडिंग द दॉलम इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका कॉलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री फॉल कोलेरा नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर अरेस्टिंग द हॉर्न ग्रोथ एट एन अर्ली स्टेज इसको बोला जाता है डिसवडिंग नेक्स्ट आता है एनिमल लॉस इज यूज ऑफ टेस्टिकल्स बाई किससे कास्ट्रेशन से ऑप्शन नंबर एक ब्लड लैस कास्ट्रेशन किसके द्वारा की जाती है ब्रूडिज ऑफ कास्ट्रेशन कास्ट्रेटर थे तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा सी नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग मोर न्यूट्रिशन टू यूज बिफोर ब्रीडिंग सीजन ब्रीडिंग सीजन से पहले फ्लशिंग अप ब्रीडिंग सीजन के बाद में स्टीमिंग अप मतलब कि उसकी लैम्बिंग के बाद क्या किया जाता है स्टीमिंग अप किया जाता है डी हारमन ओलिथ मेकिंग एन एनिमल परमानेंटली यूजलेस बाय द यूज ऑफ वायलेंस इज कोल्ड इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है माइमिंग ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आता आपका इन हरियाणा दिस डांस इज ए सिग्नल दैट स्प्रिंग रीजन इज कमिंग्स का ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी लूर नृत्य विच वन ऑफ द इज वायरल डिजीज वायरल डिजीज कौन सी है फाउल फाउलोक्स नेक्स्ट आता है सेल रेफरेंस दैट डज नॉट एडजस्ट टू द न्यू सेल लोकेशन कॉपीड और वहन इज कॉल्ड एप्सोलूट रेफरेंस कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रुप ऑफ गोट इज कॉल्ड इसको क्या बोला जाता है गोट के ग्रुप को फ्लोक बोला जाता है वायरस आर वायरस क्या है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट आता है आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा आपका चार तेरह तेरह को सात को दो से डबल दो से आप गुणा करेंगे तो सात दोनी चौदह और तेरह सत्ताईस चुमन पैंतालीस को दो से गुणा करोगे तो नब्बे नब्बे में चुमन जोड़ोगे तो एक सौ चौवालीस यहाँ बत्तीस है बत्तीस दोनी चौंसठ और चौंसठ और चार अड़सठ चार ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा नेक्स्ट आता आपका द खालिस्तान ओक्टा हेडर कॉम्प्लेक्स सी ओ एफ सिक्स की पावर थ्री माइनस सी यू आउटर ऑर्बिटल फोर डी इन दाइब्रेडाइजेशन इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी पैरामैग्नेटिक नेक्स्ट आता है मुर्रा इज द बुफेलो ब्रीड फ्रॉम मुर्रा कहाँ की है हरियाणा की है नेक्स्ट आता है फिनाफ्रिन ये एड्रिनल मेडुला से सेक्रेट होता है ऑप्शन नंबर एक नेक्स्ट आपका वाइट वॉश ऑफ द रूफ हाउसिज विद लाइम कोजिज घर के पशुओं के घर की छत पर चूने से सफेदी से क्या होता है टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है ऑप्शन नंबर एक नेक्स्ट आता है आपका सवर्ण धारा चिकन वाज डेवलप्ड इन ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद के अंदर खालिस्तानी जे डब्ल्यू 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 सर्वर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट मेड बाई वेब सर्वर इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी वेब सर्वर हालिकर कैटल ब्रीड इज फ्रॉम ये आपकी होगी कर्नाटका से जैसे नाइनटीन रिलेटेड है थ्री सिक्सटी वन से वैसे ही सेवन ट्वेंटी सेवन किससे रिलेटेड है ये स्क्वेयर है इसका तो सेवन टू नाइन ऑप्शन नंबर सी हरियाणा के अंदर मोरनी और टिपरा हिल्स से किससे सेपरेट होते हैं ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ कई बार ऑप्शन नंबर डी डोमेस्टिक सीप बिलोंग्स टू द बोविडी फैमिली ऑप्शन नंबर एक ईयर नोचिंग किसके अंदर की जाती है पिक्स के अंदर की जाती है ऑप्शन नंबर डी इज प्रोपेल्ड बाई किसके द्वारा इजैकुलेशन ऑप्शन नंबर सी चैंग था गोट ब्रिड इज फ्रॉम ऑप्शन नंबर एक लद्दाख विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंगल डिजीज ऑफ पोल्ट्री पोल्ट्री की कौन सी है यहाँ पर फंगल डिजीज एस्परजिलोसिस ब्रूडर निमोनिया भी बोला जाता है जिसके कारण ब्रूडर निमोनिया होता है एस्परजिलोसिस ये क्या होगी आपकी एक फंगल डिजीज होगी प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग हाइयर लेवल ऑफ कंसंट्रेट टू रिच मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इसका क्या होगा नेक्स्ट आता प्रीजेंट्स ऑफ बैक्टीरिया इन वर्ल्ड ऑप्शन नंबर एक बैक्टेरिमिया बोला जाएगा इसको नेक्स्ट आताबी बोला जाता है और साइंटिफिक नेम होगा बोफेलो का क्या होगा बुबैलिस ऑप्शन बुबैलस, बुबैलस, नंबर सी नेक्स्ट आता है आपका ई डी वी ए सी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी नैक ऑफ वोमीज कोल्ड सर्विस ऑप्शन नंबर एक कांकरेज कहाँ की है गुजरात की है सुवाई चाल सेवनटी सिक्स सेवेंटी सिक्स का आपका क्या रहेगा सेवेंटी सिक्स का रहेगा ऑप्शन नंबर बी माइनस वन बाई टू और वन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आता है आपका विच अमंग्लोइंग पार्क इज सिचुएटेड एट यमुनानगर के अंदर एलिफेंट रिहेबिलेशन है या ये आपका ऑप्शन नंबर सी एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता, जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रांसजेनिक एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रिवेंशन ऑफ क्यूरिटी एक्ट ये आएगा नाइनटीन सिक्सटी के अंदर ऑप्शन नंबर सी किंग ऑफ फूडर किसको कहा जाता है बरसीम को कहा जाता है राइज अबोद नॉर्मल टेम्परेचर उसको क्या बोला जाएगा फीवर बोला जाता है क्या बोला जाता है फीवर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा कंसनट्रेट दिया जाता है वो कितना देगा दो से ढाई पे एक किलो दिया जाता है एकुमलेशन ऑफ ड्राई मिल्क ड्राइड मिल्क सोलिड एंड साल्ट फ्रॉम हार्ड वाटर एंड वॉशिंग सोल्यूशन इज कोल्ड उसको क्या बोला जाता है मिल्क स्टोन बोला जाता है ऑप्शन नंबर एक वन किलो कैलोरी के अंदर फोर पॉइंट वन एट किलो जूल होता है इंडियन नरंदर इज ए ब्रीड ऑफ ये किसकी है डक की ब्रीड है ऑप्शन नंबर एक द टाइम इंटरवल बिटवीन डेट ड्राइंग ऑफ द काउ टू द डेट ऑफ नेक्स्ट काम इसको क्या बोला जाता है ड्राई पीरियड बोला जाता है समॉलेस्ट वेन उसको क्या बोला जाएगा वेन्यल बोला जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एप्ट इसको बचाने में पशुओं को ये हमने ट्रिक से भी किया हुआ है वाइल्ड लाइफ वन्य जीव को बचाने में सात दो तो उन्नीस सौ बहत्तर स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग फरमेंट फर्मेंटेड फीड को स्टोर करने के लिए क्या होता है साइलो होता है क्या होता है साइलो नेक्स्ट आता है एन डी आर आई एन डी आर आई करनाल के अंदर उन्नीस सौ पिचपन बी आई एस के द्वारा लेयर फीड के अंदर कितना कैल्शियम होना चाहिए थ्री परसेंट होना चाहिए कैल्शियम हमने ये क्लास के अंदर भी किया हुआ है सी तीन नंबर पे आता है मिल्किंग शुड बी कम्पलीटेड इन फाइव से सेवन मंथ लेफ्ट और सेवन मिनट के अंदर और लेफ्ट साइड से करनी चाहिए कई बार कर चुके हैं द लॉन्ग एक्सिस कौन सा होना चाहिए ईस्ट ईस्ट से वेस्ट होना चाहिए और पशुओं में नॉर्थ से साउथ होना चाहिए ग्रुप ऑफ बुफेलो इज हर्ड नेक्स्ट आता है आपका नाइन्टी फाइव ये तो आसानी था यहाँ पर क्या करना था टू को पहले इसके अंदर रखो टू बाई टू का स्क्यर यहाँ पर टू बाई फाइव हो जाता और इसके बाद इसी टू बाई फाइव को इसके अंदर रखोगे तो टू बाई फाइव डिवाइड बाई फोर बाई ट्वेंटी प्लस वन, यह हो जाएगा टेन बाई ट्वेंटी नाइन ऑप्शन नंबर सी सूर्य हर कवि किसको बोला जाता है ये पंडित लक्ष्मीचंद जी को बोला जाता है नेक्स्ट आता है आपका बैंक्स के द्वारा एम आई सी आर यूज किया जाता है चेक के लिए और पी एच जो फ्रेश मिल्क का होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्स पॉइंट फोर से सिक्स पॉइंट सिक्स नेक्स्ट आता है वो डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका क्या रहेगा के एम मुंशी ऑप्शन नंबर डी तो ये आपका सोल्यूशन था एक बार मैच कीजिए और जितना भी आपका स्कोर बनता है कमेंट सेक्शन में विद कैटेगरी के साथ जरूर लिखें धन्यवाद